लड़की कह रही है मुझसे, तुम्हें प्यार है मुझसे तो ऐसे जताना पड़ेगा, मेरे संग रहना है तो साथ इस तरह निभाना पड़ेगा। तुम्हें प्यार है मुझसे तो इस तरह जताना पड़ेगा, मेरे संग रहना है तो साथ इस तरह निभाना पड़ेगा। ठंड में तुम नहीं नहाए कोई बात नहीं मगर, ठंड में तुम नहीं नहाए कोई बात नहीं मगर, गर्मी में मेरी जान तुम्हें दो बार नहाना पड़ेगा। एक सवाल है, अगर आंसर हो तो प्लीज़ दे दीजिएगा, कि तुम्हारी खूबसूरती मानो जैसे वबाल है, ऊपर से नीचे तक पूरी बेमिसाल है। तुम्हारी खूबसूरती मानो जैसे वबाल है, ऊपर से नीचे तक पूरी बेमिसाल है। एक सवाल है जहन में आज बता ही दो जान, साबुन से नहाती हो या कोई क्रीम का कमाल है। मैंने किया इशारा और वो मुस्कुराकर चली गई, नैनों के तीर दिलों से लड़ाकर चली गई। मैंने किया इशारा और वो मुस्कुराकर चली गई, नैनों के तीर दिलों से लड़ाकर चली गई। मैंने हाथ बढ़ाया उसका हाथ मांगने को, वो पगली नादान थी राखी बांध कर चली गई। सच को छुपाकर झूठ ले गया, दिल को वो भारी चूक दे गया। मन ने प्यार था जिस 5 फुट 2 इंच की छोरी से, मन ने प्यार था जिस 5 फुट 2 इंच की छोरी से, उसको ब्याह के 7 फुट का ऊट ले गया। ले गया, अब मुझसे कह रहा हूँ, आज का वो ट्रेंड चल रहा है बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, मी एज अ बॉयफ्रेंड, काल्पनिक दुनिया, बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ठीक है। मैं गर्लफ्रेंड से कह रहा हूँ कि वादा करके तू ऐसे कैसे मुकर सकती है, गलत होकर भी तू मुझसे कैसे अकड़ सकती है। वादा करके तू मुझसे कैसे मुकर सकती है, गलत होकर भी तू मुझसे कैसे अकड़ सकती है। चल माना वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है मगर, चल माना वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है मगर, मेरे होते तो उसका हाथ कैसे पकड़ सकती है। इतना प्यारा झूठ ये कैसे बोल लेती हैं, सच सामने आते ही नजरें मोड़ लेती हैं। इतना प्यारा झूठ ये कैसे बोल लेती हैं, सच सामने आते ही नजरें मोड़ लेती हैं। और लगाती नहीं फेयर लवली कोई भी लड़की यहाँ, और लगाती नहीं फेयर लवली कोई भी लड़की यहाँ, सुंदर लगना हो तो झट से स्नैपचैट खोल लेती हैं। अभी शादियों का सीज़न गया था, मैं भी तलाश में गया था। मिली कैसी मिली, मेरी किस्मत मुझसे आगे हर बार निकली, जीत की तलाश में मेरी हार निकली। मेरी किस्मत मुझसे आगे हर बार निकली, जीत की तलाश में मेरी हार निकली। और जिस लड़की का नंबर मैं तकरीबन ले ही चुका था, जिस लड़की का नंबर मैं तकरीबन ले ही चुका था, वो लड़की बिहार मौसी की रिश्तेदार निकली। मेरे हाथों में उसका हाथ देखकर, वो प्यारी सी उसकी मुस्कान देखकर, मेरे हाथों में उसका हाथ देखकर, वो प्यारी सी उसकी मुस्कान देखकर, मैं फटाक से नींद से उठ गया यारो, अपनी ओर आता हुआ उसका बाप देखकर। कोरोना के चक्कर में आजकल फेयरवेल नहीं हो रही है, उसी पर है कि शुक्र है खुदा का ज़्यादा देर नहीं हुई, सिंगल रही वो लड़की कमी टेढ़ नहीं हुई। शुक्र है खुदा का ज़्यादा देर नहीं हुई, सिंगल रही वो लड़की कमी टेढ़ नहीं हुई। हमने सोचा कि फेयरवेल पर कह देंगे उससे दिल की बात, हमने सोचा कि कह देंगे फेयरवेल पर उससे दिल की बात, पर किस्मत तो देखो इस बारी हमारी फेयरवेल ही नहीं हुई। सबका प्यार बता रहा हूँ, डिजिटल प्यार। इस आदत के लगते हम भी लाचार हुए हैं, इकलौते तुम ही नहीं तुम जैसे हज़ार हुए हैं। इस आदत के लगते हम भी लाचार हुए हैं, इकलौते तुम ही नहीं तुम जैसे हज़ार हुए हैं। एंजल प्रिया एक ऐसी बीमारी है दोस्त, एंजल प्रिया एक ऐसी बीमारी है दोस्त, जिस बीमारी के मियाँ हम भी शिकार हुए हैं। मिलने में ना हमें अब लेट होना चाहिए,
हो रहा है ज़माना, हमें भी अपडेट होना चाहिए। सच सच बता जान, क्या तुझे नहीं लगता कि हमारी भी अब एक रोमांटिक डेट होनी चाहिए? और ये आखिरी है, उसकी फ़ोटो भी यार कितनी हसीन आती थी, लाइक्स और कमेंट की लाइन सी लग जाती थी। उसकी फ़ोटो भी यार कितनी हसीन आती थी, लाइक्स और कमेंट की लाइन सी लग जाती थी। उस लड़की को डेट करने के बाद पता चला, मियाँ सारी फ़ोटो हाँ स्नैपचैट से खींची जाती थी। धन्यवाद।